अभी SMS हॉस्पिटल के सामने ऑल ओवर राजस्थान के कर्मचारी 108 और 104 एम्बुलेंस को स्थायीकरण को लेकर यहाँ पे स्ट्राइक पे रात को 12 बजे से बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि हमें भी संविदा कैडर में शामिल करके संविदा रूल 2022 के तहत हमारे को भी स्थायीकरण का लाभ है वो दिया जाए। सरकार ने हर डिपार्टमेंट से कार्मिक विभाग में सूचना मंगाई है, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारियों का स्थायीकरण को लेकर कोई भी प्रपोजल सरकार ने अभी तक नहीं बनाया। निराश एम्बुलेंस कर्मचारी 2021 से लगातार सरकार को विभिन्न तरीकों के माध्यम से अवगत कराए, लेकिन सरकार द्वारा इन एम्बुलेंस कर्मचारियों की कोई भी मांग किसी भी तरीके से नहीं सुनी गई है। हताश एम्बुलेंस कर्मचारी सेवा बाधित न करते हुए भी मजबूरी में सेवा बाधित करके मेडिकल कॉलेज के सामने धरने पर बैठे हैं। इन एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांग है कि कोरोना काल और अन्य मेडिकल इमरजेंसी में प्राथमिक स्तर के तौर पर इन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सेवा दी है, उन सेवा को सरकार है वो नकार के इनके साथ अत्याचार कर रही है, कंपनियों के माध्यम से शोषण करवा रही है। वो शोषण बंद करके ठेका पट्टा समाप्त करके इन एम्बुलेंस कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाए। जब तक इन एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होती है, एम्बुलेंस कर्मचारी लगातार यहीं डटे रहेंगे। ऑल राजस्थान भर के कर्मचारी राजस्थान जयपुर में पधार रहे हैं और लगातार हड़ताल ये जारी रहेगी जब तक कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की स्थायीकरण की मांग है, केवल एक ही मांग है स्थायीकरण की, वो अगर पूरी नहीं होती है तो एम्बुलेंस कर्मचारी यहीं पे रहेंगे और हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगी। सुधाराम सारण, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ। एक ही मांग है संविदा कैडर के अंदर में हमको शामिल होना। हम काफी वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारे कर्मचारी पायलट भाई है जिनकी उम्र होगी 48 वर्ष, लेकिन अभी तक वो ठेके पड़ता पे मात्र अल्प वेतन भोगी है पूरे राजस्थान में। मैं सीएम साहब से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि आपने बोला कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। हम अब मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, हमारी विनती स्वीकार करें, हमारे को ठेका पट्टा से हटाइए। या मनोज जोशी, आपका मानदेय कितना है और आप कितना मानदेय? हमारा मानदेय मात्र 8,000 है सर, अभी 8,000 मिल रहे सभी को। आप कितना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यूटीपी की बराबर 37,800 रुपए सभी को मिले। आपका नाम बताओ? मनोज जोशी।